मेरा नाम रचना सोनी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम टैलेंट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं भुवाणा उदयपुर राजस्थान में रहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं स्त्री हूँ। मैं नारी के आत्मसम्मान में एक कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कवि शिवांकित तिवारी द्वारा लिखी गई है। जो कविता इस प्रकार है, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझको कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझको कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गए कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो इल्ज़ाम मुझी पर आता है, कलयुग हो या सतयुग हो इल्ज़ाम मुझी पर आता है, क्यों अंधेरी सड़कों पर जाने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफ़र अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है कोई साया पीछा करता है, डर का साम्राज्य बढ़ता है कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंद जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हे तरल पसीना माथे पर दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये कैसी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये कैसी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको पीटा है बालों से मुझे घसीटा है, मारा है मुझको पीटा है बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उस घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया, उस घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ हो काया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ हो काया, सब ने तस्वीरें खींची पर कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। तुम सब भूल जाओ, ये लड़के फिर भी बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, ये दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। तुम लड़की हो ये दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों गई अकेली रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन तकलीफों को, उन चीखों को, कैसे भूलूं। सब भूल जाओ कहने वालों, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और यह आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।